दरअसल सुल्तान महमूद चौधरी और आप एक दौर में बड़े इकट्ठे भी चले, क्या वजह है कि इख्तलाफात क्यों रहते हैं, एक पार्टी में भी रहे? इनकी मोनोपोली थी शुरू, एक फैमिली लिमिटेड बरादरी का नारा लगा था, मैं इसके खिलाफ था। मेडिकल कॉलेजेस मुश्किल तरीन हालात में खड़े किए, हुकूमत जाते जाते मेडिकल कॉलेज को हेल्थ यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन भी जारी करवाया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ना बन सकी। देखिए मैंने तकरीबन 7,500 रकबा मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए दिया था, इसके बाद नोटिफिकेशन हुआ उसमें पैसे भी मैंने रखे। अब गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा अब कुछ मेम्बरान असम्बली है यहाँ के भी, बिमर का है, समानी का है, मीरपुर शहर का है, निरियाल का है, पूरे डिवीजन के लोग, एक बंदे ने एक लफ्ज तक नहीं बोला, शहरी में एक लफ्ज नहीं बोला। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जब लीडर ऑफ दी ओपोजिशन थे, इन्होंने 5 साल अपनी ओपोजिशन आपकी हुकूमत के मुखालफ तकरीरों में जो में एहतजाज भी मनाए, मुख्तलिफ स्कैंडल कहते रहे कि ये आपकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आयद करते थे, और साथ ये भी तकरीरों में कहते थे कि जब हम इक्तदार में आएंगे आपके वुजरा को थोड़ी रेस्ट हाउस में बंद करें। नहीं नहीं, मैं ओपनली कहता हूँ होनी चाहिए, अगर हमने खाया तो मैं स्टेट में हम जाएंगे नहीं, हम कहेंगे वाकई हमने करप्शन की है, उन्होंने 10 करोड़ रुपये का ट्वेल्व बजट था, हम इंस्टीट्यूशन बनाए, कम्युनिकेशन सिस्टम हमने ठीक किया, हेल्थ पर हमने तवज्जो दी, और सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया एजुकेशन पर। सियासी तजर्बा क्या कहता है कि बैरिस्टर सुल्तान के हाथ में आइंदा वजारत उलमा की लकीर है या मिट चुकी है? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं पिछड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया कोई फ्यूचर नहीं है। वफाक को क्या देखें? वफाक तो मैं आप देखें जो हालात पैदा हो रहे हैं, ज्यादा आसान नहीं निकालूंगा। इमरान खान भी 5 साल पूरे नहीं करेगा, कोई अतन नहीं करेगा। अच्छा, लोग कहते हैं आपने जो इलेक्शन था 2016 में यहाँ उसमें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करके PMLN के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद को वोट दिलवाए थे, और अब ये भी बात सोशल मीडिया पे भी तहरीर की जा रही है कि आइंदा एक बार फिर से पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होगी, आपकी तरफ से PMLN के कैंडिडेट को वोट दिलवाएंगे, क्या ये हकीकत है? मैंने वोट नहीं दिलाए, जब एक कैंडिडेट को हमने टिकट दिया वो बैठ गया। There was no way out for the people. Then the people they have to decide it. उन्होंने decide किया कि हम देंगे इसको वोट, देंगे उसके वोट। अब दूसरा जो उन्होंने क्या ना PTI का था, उसको तो वोट दे ही नहीं सकते थे हमने। जनिफाई किया पार्टी को बहुत दफा, छुरा मौका था हमें, इसकी हमारे लिए पूरी। अभी पार्टी जिसको टिकट देगी वो पार्टी के साथ।